बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। खेतों के मैं पानी लाया आया तो खेतों के 8 दिन बाद साड़ी पानी की वारी लगती है, यानी कि नहरी पानी जो 8 दिन बाद लगता साड़ा, तो ट्यूबवैल का तो जो मर्जी ला लो, अपनी मर्जी होंगी। तो बाकी जो नहरी पानी है ना, ये साड़ा 8 दिन बाद लगता। इधरों हूँ पानी कर देने बंद, तो पानी लाता इस खेत में। हुण करांगे इहदी लीकिंग बंद, जिहड़ा अगे पानी थोड़ा बहुत जाता वा। ए की चीज़ हैगी है, गोबर है, गोबर इहदे नाल लीकिंग बड़ी अच्छी बंद तरह बंद होंदी पानी दे विच। ए जिहड़े साइडां तों पानी अगे ना जावे, लीकिंग हो गई साडी बंद, तो पानी जा रहा हुण इस खेत में। बरसन है, बरसन में जा रहा जिहड़ा असीं अपनियां भैंसा भूसा लई चारा बरसीन बीजा उहदे नूं। ते थोड़ा जिहा व्यू का नज़ारा करो, खेतों के विच अजीब ही फीलिंग होंदी है। माशाला हर तरफ सरसब्जा, हर तरफ सरसब्जा। जिहड़ी गंदम हैगी है सुनहरी हो गई है, ये पक्कण नूं तैयार है, कुछ दिनों दे विच पक जाएगी, फिर इहदी कटाई होएगी। तो हुण मैं आ गया छां दे विच, ए दरख्त है उपर उपर वाली, तो टाली का दरख्त हैगा। तो मैं ए दरख्त वीवर आपने बताना है किस चीज़ का है, या आपे छोड़ता हूँ ये चेक करें। ये आप लोगों ने बताना है ये किस चीज़ का है, कमेंट में बताना है ये किस चीज़ का है, ठीक है, गेस करना है। ये मैंने आपको उसके पत्ते वगैरह दिखा दिए, टानी भी दिखा दी, आपने बताना किस चीज़ का है। चलते हैं खेत की अगली तरफ और वेखते हैं जाके कितना क पानी रहिंदा, बाकी रहिंदा खेत कितना क भरिया हैगा वा। अगे जा के वहने कितों तक पहुँचा पानी, खेत भर गया पानी ना, पानी अजे दूजे खेत इतों तक पहुँचे हैगा। तकरीबन ये 10-15 मिनट पानी होर उन्नी जगह बाकी है, तकरीबन तकरीबन एक कनाल थान खाली अजे रहा है। खाले च मिट्टी सुट्टी सी, खाला किया बंद, तो इधर मैं मिट्टी कढ देना बाहर, क्योंकि इधर नूं पानी खड़ना है वा। तो हुण असी पानी साडा तकरीबन टाइम खत्म हो गया, तो हुण चलते हैं पिंड, तो करते हैं जुमे की जाके तैयारी। अज जुमा भी है, जुमा पढ़ते हैं। और जो हरीश प्रीत चीज़ा है ये पूरा हरा करा देता है, वह भगवान हूँ मिश्रा हूँ। और उस तरह में है परंतु तो पवन के है बोझ हटा देते का नता नहीं जो हमारे ऊपर से बल्ला जी रहा मरु मी वासरु वासरु वत्तरु नूरन लगी उद्रवाहु उलाय का हम कुम्भ रहूर अदान फरमाया कि इस नबी के इत्तेफाक करने वाले जिसने उन्होंने रफाकत अख्तियार की थी और इस नबी की मदद और नुसरत की थी और उस रूह की इत्तेफाक की थी कि जिस रूह को अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीना मुबारक के ऊपर उतारा है। जुमा असी पढ़ लिया वा, तो मस्जिद चो आ गए हैं बाहर, ते हुण इत्थे अपने दोस्त अरशद भाई मिले ने अज, ते बूटा साहब ने सरकार जी ते बैठे हैं कट्ठे असी, ते उधरों जी विकास साहब भी आ गए ने जी, वालेकुम अस्सलाम। ते हुण बाहर बैठे हैं यार ना, हुण 8 दिन ही 8 दिन इहनू काफ़ी महीना ही हो गया अरशद भाई नूं नहीं मिले असी, इन्ना को हो गया टाइम, ते अज नमाज़ पढ़ के ते कट्ठे होए हैं, ते मैं चलो गप शप ला लीए बैठे हैं। वीवर मैं घर पहुँच गया वा, ते वीडियो दा इस नाल ही कर दें दी एंड।
तो अगर साडा इहदा व्लॉग जो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो पहुँचे आपके पास सबसे पहले। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्त खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।